बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़िया फारूकी, आप देख रहे हैं हेल्दी पाकिस्तान वेबिक स्ट्रीमिंग। और आज हम मौजूद हैं नॉर्थ कराची में, और आज छोटी सी जो है वो एक कोशिश की है लोगों को अफ्तारी के हवाले से। और मेरे साथ मौजूद हैं कराची का सरमाया और बहुत मशहूर हस्ती जो आपके चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरते हैं और हमारे साथ खिदमत में हमेशा साथ साथ रहते हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरे बहुत अच्छे मोहसिन जनाब ज़ाकिर मस्ताना साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़ाकिर भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। आप जो डॉक्टर कहने वाले तो डॉक्टर भी कहते थे ज़ाकिर भाई। एक्चुअल मसला ये है कि हम लोगों का इतना एनवायरनमेंट इतना यूज्ड हो चुके हैं, आपके साथ डॉक्टर ज्यादा होते हैं। अच्छा, और एक्टर, देखिए एक्टर डॉक्टर तो उसमें एक ही बात है, मजे की बात ये एक्टर डॉक्टर बन सकता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर अगर एक्टर बन गया तो मसला हो जाएगा, बन जाता है। और मैं हेल्थी पाकिस्तान के हवाले से आपने ये नहीं कहा जी दोस्त नहीं, ये तो समझे कि मेरे जो बेटा है अली ये उनका दोस्त है, तो मेरे तो बेटों के बराबर है। और हेल्थी पाकिस्तान के हवाले से भाई आप पूरा साल काम करते हैं, ये तो आज 15वां रोज़ा है और इफ्तारी है, तो हेल्थी पाकिस्तान पूरा साल कोई ना कोई पॉइंट लेकर, कोई ना कोई इशू लेकर वो हेल्थ के हवाले से काम करते रहते हैं, होम्योपैथी के हवाले से काम करते रहते हैं। आया कि बात ये कि हेल्थी पाकिस्तान कभी सुकून से नहीं बैठता, और डॉक्टर ज़िया फारूकी है, दानिश है, और डॉक्टर फरा है, और माशाल्लाह आज आज के हवाले से जो नॉर्थ कराची में हम हैं, ये हमारे साथ फैज़ान सदीकी है, माशाल्लाह इवेंट मैनेजमेंट है इनकी अपनी। और फैज़ान सदीकी कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ आके कि माशाल्लाह जिस तरह ये लोग काम कर रहे हैं, अल्लाह इनको तरक्की दे और इस काम में और ज़्यादा काम करने की तौफीक दे। आमीन आमीन। और आज माशाल्लाह बड़े अच्छे पैमाने पर ज़िया आइएगा, आज थोड़ा सा फैज़ान भाई मैं देख भी लूँ कि माशाल्लाह थोड़ा सा बड़े अच्छे पैमाने पर। और वो कहते हैं ना कि खुश नसीबी दस्तरखान लगाने वाले की नहीं है, खुश नसीबी दस्तरखाने पर आने वालों की है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर फराह, कैसे लग रहा है आपको? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? और बहुत खुशी हुई मिलके कि हमारे एक्टर्स भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, और अल्लाह बहुत तरक्की दे आप लोगों को, हेल्दी पाकिस्तान को और ऐसे काम करने वालों। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और जी जी आज और हमारी हमारी कराची टेलीविजन फिल्म आर्टिस्ट शैनी अजीम भी आ चुकी हैं। और दूसरा मैं बताता चला हूँ कि हमारी जो अपनी ज़ैनब वेलफेयर ट्रस्ट है जिसका मैं सदर हूँ, परवेज सदीकी जनरल सेक्रेटरी हैं और शैनी अजीम उसकी जॉइंट सेक्रेटरी हैं। ज़ैनब वेलफेयर ट्रस्ट मेरी बेटी के नाम पर है और वो हम 9 साल से उसमें भी हम काम कर रहे हैं माशाल्लाह। आज हम मौजूद हैं हेल्थी पाकिस्तान एनजीओ जो हमारे डॉक्टर ज़िया फारूकी कर रहे हैं, और ये इफ्तारी का जो प्रोग्राम है आज इसके हवाले से और दीगर प्रोग्राम के हवाले से क्या कहेंगी शैनी? अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को, शैनी जी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। रोज़े मुबारक, रमज़ान का बड़ा बरकत महीना है, इसमें जितना हो सके आप लोगों की मदद करें, दुआएं समेटें, मुस्कुराहटें बिखेरें, और हेल्दी पाकिस्तान की बड़ी काविशें हैं, बड़ा काम कर रही हैं, बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, और डॉक्टर ज़िया की तो क्या ही बात है, वो तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ बखेर रहे हैं और मुस्कुराहटें बखेर रहे हैं और दुआएं ले रहे हैं। इस वक्त भी हम यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं इतनी सारी आवाम है, और ये इनका प्यार है, मोहब्बत है, इनकी मेहनत है। थैंक यू शैनी। और माशाल्लाह जी इधर कैमरा कीजिएगा, ये देखें ये मेरे प्यारे प्यारे जो हमारे बच्चे हैं, और ये भी यहाँ मौजूद हैं, और ये समझ लगे मेरे ही बच्चे हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप आ जाना कौन? अब अच्छा जी मजीद मेहमान आए हैं डॉक्टर ज़िया फारूकी भी बताएंगे माशाल्लाह। मैं तो पहले खुशामदीद कहता हूँ तमाम मेहमानों को, और कौन कौन आए ये आप बताएंगे? हमारे साथ मौजूद हैं सरपरस्त आला होम्योपैथिक इनकलाब और पाकिस्तान होम्योपैथिक काउंसिल के सिंध के मेंबर डॉक्टर सिद्दीक अली अंसारी, जिन्हें आप डॉक्टर मदनी अंसारी के नाम से भी जानते हैं। मैं बेहद मशहूर हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस नेकी के अंदर और इस नेक एक्टिविटी में आप हमारे साथ आए। और आपके साथ मौजूद हैं बथा वेलफेयर के सदर डॉक्टर खालिद साहब, और आपका भी बहुत बहुत वेलकम कहते हैं, और शैनी बाजी को भी बहुत बहुत वेलकम कहता हूं। और एक अच्छा सा रौनक वाला माहौल है आप देख रहे होंगे यहां पर। आपको पता है व्यूवर्स को कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो कोई एक ऐसी एक्टिविटी नहीं करते जो पब्लिकेशन के हवाले से हो, लेकिन आज ये खाली एक्टिविटी करने का मकसद, ये वीडियो बनाने का मकसद, क्योंकि ये जो अफ्तारी होती है ये डेली बेसिस पे होती है अल्हम्दुलिल्लाह, ये दस्तरखान रोज़ाना की बेसिस पे सज रहा होता है। आज आप सब आए मुझे बहुत अच्छा लगा, और इस वक्त अफ्तार का भी टाइम हो रहा है, तो इंशाल्लाह ताला अफ्तार के बाद फिर आपसे मुलाकात करते हैं।
करते हैं। देखते रहिए हेल्दी पाकिस्तान, होम्योपैथिक इनकलाब पाकिस्तान, जिंदाबाद।